प्यारे देशवासियों, आज कोरोना के बारे में हम कुछ बताने जा रहे हैं। कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कोरोना वायरस एक प्रकार का वायरस है जो कि छींकने, खांसने और ये कम्युनिकेबल डिजीज है, जो एक व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। क्योंकि कोरोना डिजीज जो है ये एक विश्वव्यापी एक समस्या क्रिएट कर रही है, क्योंकि नई प्रकार की एक वायरस है, इसलिए इसमें अभी दवा खोज नहीं हो पाई। लेकिन मैं आपको कुछ इसमें बातें बताना चाहता हूँ जो कि कोरोना के बारे में अभी अफवाह फैली हुई है। जैसे कोरोना के बारे में अभी ये बताया जा रहा है कि ये चीन से वुहान शहर से आया था और ये नन वेज खाने से कोरोना वायरस फैला है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ये नन वेज खाने से नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात है कोरोना वायरस के बारे में कि इसमें सबसे बड़ी साफ सफाई हाइजीन मेंटेन करने की चीज़ है, क्योंकि अपने आप को साफ सफाई रखें और सैनिटाइज रखें और आसपास वातावरण में जितनी भी गंदगी है उसको साफ रखें, हाथों को साफ रखें। जितने बार एक डॉक्टर होने के नाते मुझे भी जैसे जितनी बार पेशेंट देखना पड़ता है तो मैं उसको साबुन से या डिटॉल से, सेवलॉन से, इस ढंग से जो है सो या अल्कोहल रहित जो भी पदार्थ है उससे मैं अपने आप को साफ करता हूँ। तो ये है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो वो ये चूँकि संक्रमित बीमारी है, एक व्यक्ति के संकर में आने से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है, तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें हाथ मत नहीं मिलाए, क्योंकि हाथ मिलाने से क्या होता है कि ये उसके हाथों में ये वायरस रहता है, जिसके कारण जो है सो ये संक्रमण फैलता है। इसलिए अपने आप को जैसे किसी भी लोगों से मिले तो नमस्कार करें और एक मीटर की डिस्टेंस पर जो है सो, और बार बार हाथ को धोए, मुंह या हाथ को, मुंह और हाथ को जो है अपने हाथों से बार बार नाक को नहीं छुए, मुंह को नहीं छुए, उसको हमेशा साफ करके रखें। और एक भ्रांति है कि सर्दी खांसी होने से ये कोरोना वायरस की संभावना होती है, तो ऐसी बात नहीं है। ये सर्दी खांसी ये अभी वातावरण में परिवर्तन होने से, टेम्परेचर में ये होने से ये सर्दी खांसी होती है, तो ये इसका ये कन्फर्मेशन नहीं है। और इस सबसे बड़ी बात है कि इस केस में सबसे बड़ी बात है बेसिक हाइजीन की जानकारी होनी चाहिए। और जब भी खांसे तो रुमाल को रखें या अपने हाथ को ये रखें, दूसरे व्यक्ति को दें, और हैंड वॉश, अपने आप को हैंड वॉश करें हमेशा अल्कोहल यूज से या ये अल्कोहल से या डिटॉल से, सेवलन से। और कोशिश करें कि नन वेज कम से कम खाया जाए, क्योंकि नन वेज से अच्छा है कि ये साग सब्जी और फल फूल ये सब ज़्यादा इसका सेवन किया जाए। और नन वेज भी खानी है तो उसको अधिक से अधिक बॉइल करके खाएं, और जिससे उसका जो है सो वायरस बैक्टीरिया ये ख़त्म हो जाए। और इम्यूनिटी पावर सबसे बड़ी बात है कि इम्यूनिटी पावर जिस व्यक्ति के पास होगी उसके पास बीमारी कम आएगी। क्योंकि इम्यूनिटी पावर से क्या होता है कि इम्यूनिटी जो होता है डिफेंस अगेंस्ट डिजीज, मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, ये इम्यूनिटी पावर है। तो ये कोरोना वायरस जो है सो 60 वर्ष से ज़्यादा जो उम्र है जिनकी, उनको ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इसलिए होने की संभावना रहती है कि उनको इम्यूनिटी पावर थोड़ा सा कम रहती है, डिफेंस अगेंस्ट डिजीज ये लड़ने की ताकत थोड़ी सी कम जाती है। तो जिनको मैंने 60 से ज़्यादा हुए और जैसे डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये सब बीमारियां हैं, तो उनको ज़्यादा होने की संभावना होती है। इसलिए जो है वैसे लोगों को ज़्यादा केयर कर
रहने की संभावना रखनी चाहिए, बच्चे को भी हाइजीन बतानी चाहिए। तो ये है। और जैसे रिच विटामिन सी और हेल्दी न्यूट्रिशन, इसको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी में होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है। इसलिए विटामिन सी युक्त और हेल्दी न्यूट्रिशन, जिसमें ज़्यादा विटामिन्स हो, प्रोटीन हो, ऐसे डाइट को लेना चाहिए। तो ये है। और कम्युनिटी में हमेशा ये सबसे बड़ी बात है कि एक बात और मैं एक डॉक्टर होने के नाते बता रहा हूँ कि कम्युनिटी में जो है सो कम से कम भीड़ भाड़ इलाके में कम से कम निकलें और अपने आप को जो है सो हाइजीन मेंटेन करें और भीड़ भाड़ इलाके में कम निकले। और कम से कम एक जगह जो है सो 10-15 आदमी हो, उतने ही जगह आप जाएं। क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूँ, एक डॉक्टर होने के नाते चूँकि हमारी मजबूरी है जो मैं पेशेंट को देखता हूँ, लेकिन फिर भी पेशेंट देखने के कारण में उनमें थोड़ा सा गैप रखता हूँ कि वो उसका ट्रीटमेंट भी हो जाए और जो है सैनिटाइज में हमारी भी हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़े। और ये सब बात है। और चूँकि इसमें घबराने की बात नहीं है, चूँकि अगर जो ये चूँकि बाहर से फैला गया है, चाइना से और इटली से और ये दूसरे कंट्री से आया है, तो इसलिए जो भी बाहर से आते हैं उनको 14 दिनों के लिए रखा गया है। आज ये केस हम लोगों ने देखा है बथुआ बुजुर्ग में, तो उसमें जैसे है कि उसको वो बाहर से चाइना से आए थे, उनको जो है सो अभी ट्रीटमेंट के लिए उसको भेजा गया है आइसोलेशन वार्ड में। तो ये है, कोरोना वायरस से घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसका इनक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन के होता है। और इसमें 3 स्टेज होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में होता है कफ कोल्ड होगा, मॉडरेट में निमोनिया होगा और सीवियर में होगा किडनी फेलियर होगा। तो हमारे यहाँ उतना बड़ा केस नहीं है जैसे अभी माइल्ड और सेकेंड मॉडरेट में तक ही आ रहा है, और सीवियर में किडनी फेलियर होता है तो 3rd स्टेज की केस है। तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है। और मैं क्या कहूँ, सबसे बड़ी बात है कि ये विश्वव्यापी एक समस्या है, इसलिए आप लोग कोरोना वायरस से मत घबराएं, अपने आप को इम्यूनिटी को मजबूत रखें, इम्यूनिटी पावर को मजबूत रखें, इससे लड़ने की ताकत डेवलप करें और भीड़ भाड़ इलाके से जाने से बचें और अपने आप को जो है सो साफ सुथरा रखें। जितनी बार आप आए बाहर से तो उतने बार जो है सो हाथ को हैंड वॉश करें और साफ सुथरा। और अंत में मैं एक छोटा सा कहना चाहता हूँ कोरोना के बारे में कि भगाए दियो कोरोना के, कोरोना फरोना कुछ नहीं बा, अपने आप इम्यूनिटी पावर से कोरोना को भगाए दिए। इसी के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ।